नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर कुशवाहा आर के गुरु चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य करें जिससे ऐसी उपयोगी जानकारी का लाभ सभी को मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपसे यह डिस्कस करने वाला हूं कि अमीर लोग पैसे का खेल किस तरह खेलते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप भी इस खेल को पूरी कुशलता के साथ खेलना सीख सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। यह खेल मैं आपको चार लेवल में बताने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कि इस खेल को आसान तरीके से कैसे खेलें। प्रत्येक लेवल को ध्यानपूर्वक सीखें, वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। लेवल एक में हम तीन बिंदुओं पर विचार करेंगे, जिसका है किला आप बैड डेट्स, क्रिएट ए बजट, गेन कंप्लीट फोकस। लेवल टू में तीन लेवल पर विचार करेंगे, फाइंड योर पैशन, वर्क योर एसेट ऑफ सेक्रीफाइस फन। इसी तरह लेवल थ्री में तीन लेवल पे बात करेंगे, एक सेव एंड सेव, दूसरा मिनिमाइज स्पेंडिंग, तीसरा वैल्यू योर मनी। लेवल चार में भी तीन बातों पे विचार करेंगे, इन्वेस्ट सेविंग, स्टार्ट बिजनेस और कंप्लीट क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। तो लेवल एक पर पहले विचार करते हैं। तो लेवल एक का पहला बिंदु है किल ऑफ बैड डेट, अर्थात अपने सभी बुरे कर्जों को ख़त्म करें। कर्ज दो तरह के होते हैं, एक अच्छा कर्ज, एक बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वह होता है जिससे हमारी इनकम इतनी हो जाती है कि हम उस कर्ज की ईएमआई आसानी से भर सकते हैं। बुरा कर्ज वह होता है जिससे हमें अपनी कमाई से ही ईएमआई चुकानी पड़ती है, उस कर्ज से हमें कोई इनकम सोर्स नहीं प्राप्त होता। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लो कि आपने एक होम लोन लिया और उस पर आपने घर बनाकर खुद रहने का लग गए तो उसे आपको इनकम नहीं होगी, परंतु यदि उसको हमने किराए में दे दिया तो किराए की इनकम से उस लोन की ईएमआई भर जाएगी, ताकि स्वयं के रहने पर हमें अपनी सैलरी से ही ईएमआई भरनी होगी। ऐसे लोन जो हमारी सैलरी को समाप्त करते हैं उन्हें जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहिए। दूसरा बिंदु है क्रिएट ए बजट, एक बजट बनाएं, अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब रखें। एक मासिक बजट अवश्य बनाएं जिससे आपको इसका अच्छी तरह से पता होगा कि आपको किस काम के लिए कितना खर्च करना है और आवश्यक चीज़ों पे आप जिससे आपको इस आप कहाँ से करना है। बजट आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, बिना बजट के आप निचले पायदान पर ही बने रहेंगे। अगला पॉइंट है गेन कंप्लीट फोकस, ने पूरा ध्यान केंद्रित करें। आपका अपना पूरा ध्यान अपनी संपत्ति बनाने में होना चाहिए। आपका लक्ष्य
पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। संपूर्ण शक्ति योग्यता से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। फोकस का एक अच्छा उदाहरण आप महाभारत के उस किस्से से सीख सकते हैं, जिसमें द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर निशाना लगाने को कहते हैं, किंतु सफल केवल अर्जुन हो पाता है, क्योंकि उसे सिर्फ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। इसी तरह आपका भी ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। लेवल 2 का पहला बिंदु है फाइंड योर पैशन, अपना जुनून खोजें। आप वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। आपकी रुचि जिस क्षेत्र में हो आप वह काम करिए। आप जिस काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर सकते हैं, ऐसे काम करने से वास्तव में आप खुश रहेंगे। इसलिए आप खुद यह चुनें कि आप किस काम को करना पसंद करते हैं, फिर उसे अपने जीवन में अप्लाई करें और फिर देखें आप कितनी जल्दी तरक्की करते हैं। दूसरा बिंदु है वर्क योर एसेट ऑफ, गधे की तरह काम करना बंद करें। मेहनत करना सफलता के लिए आवश्यक है, किंतु ऐसी मेहनत से क्या लाभ जिससे आप दूसरों को अमीर बनाते रहते हैं और खुद जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अभाव में जीवन यापन करते हैं। मेहनत करिए, एसेट बनाइए, फिर उस एसेट से दूसरा एसेट बनाइए, फिर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत करता है और आप दिन प्रतिदिन और अमीर होते जाएंगे। तीसरा बिंदु है सेक्रीफाइस फन, क्षणिक खुशियों का त्याग करें। खुशी कौन नहीं रहना चाहता, हम सभी अपनी खुशियों के लिए ही तो जीवन पर्यंत कठिन से कठिन जोखिम भरे कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। यदि आप खुशी एवं अमीरों की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो आज आपको अपना समय बर्बाद करना बंद करना होगा। घंटों टीवी देखना, दोस्तों के साथ गपशप करना या इसी तरह की अन्य एक्टिविटी जिससे समय बर्बाद हो रहा है उसे रोकना होगा। लेवल 3 में पहला बिंदु है सेव सेव एंड सेव, बचत बचत और बचत। मेहनत करके हमने जो अर्निंग की और फिर उसे सारा का सारा खर्च कर दिया, तो आप यकीन मानिए आप जीवन भर कड़ी मेहनत ही करते रहेंगे। इसलिए यदि आप भविष्य में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना चाहते हैं, तो आपको अपनी आज की कमाई का कम से कम 10% तो बचाना ही होगा। बिना बचत के आप भविष्य में कभी अमीर नहीं बन सकते। दूसरा बिंदु है मिनिमाइज स्पेंडिंग, खर्चों को कम करें। बहुत से लोगों का कहना है कि इतनी कमाई ही नहीं होती कि हम बचत कर सकें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कितनी भी कमाई होने पर आप बचत कर पाएंगे, मेरे विचार से कभी भी नहीं, क्योंकि पार्किंसंस के नियम के अनुसार आपकी आमदनी के अनुपात में आपके खर्च बढ़ जाते हैं। इस नियम के अनुसार आपकी आय बढ़ती है तो खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसलिए आय को इंतज़ार करना, आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब आमदनी बढ़ेगी तो बचत करेंगे। अभी से बचत करना शुरू करें, जिसके लिए आपको अपने खर्चों को कम करना होगा। आप अपने आय व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तो पता चल जाएगा कि आप कौन सा खर्च रोक सकते हैं, जिसके होने पर आपकी लाइफ स्टाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा बिंदु है वैल्यू योर मनी, अपने पैसे को महत्व दें। आप लोगों में से अधिकांश लोग इस विचारधारा पर जीते हैं कि खाओ पियो मौज करो, ये ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलेगी। ये सच है,
किंतु इस विचारधारा के कारण ही अधिकांश लोग पूरा जीवन अभाव में बिताते हैं। उन्हें अपने पैसे का महत्व पता नहीं होता। बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के जीवन यापन करने वाले दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या सर्वाधिक है, जो ये सोचते हैं कि पैसा तो हाथ का मैल है। वे ही पूरी ज़िंदगी लोगों की गुलामी करते हैं और दुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेवल 4 का प्रथम बिंदु है इन्वेस्ट सेविंग, बचत का निवेश करें। बचत करना अति आवश्यक है, यह तो आप समझ गए। किंतु यदि बचत के पैसों का निवेश करने की बात आती है तो अधिकांश लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। निवेश करना लोगों को जोखिम भरा लगता है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के अनुसार सभी को इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। बिना इन्वेस्ट किए आप अमीर नहीं बन सकते। निवेश प्रक्रिया का चयन आपको जरूर सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यदि स्वयं निर्णय लेने में असमर्थ हो तो किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं। दूसरा बिंदु है स्टार्ट बिजनेस, अपना बिजनेस शुरू करें। अपना बिजनेस शुरू करें। आप जब जॉब करके कभी भी अमीर नहीं बन सकते। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपने काम से काम रखें। उनका कहना है कि जॉब करते हुए ऐसे कार्य करें जिससे के मालिक आप खुद हों। जीवन भर दूसरों के लिए काम करके हम उन्हें ही अमीर बनाते रहते हैं। खुद का काम करके ही कोई अमीर बन सकता है। तीसरा बिंदु है क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम, अर्थात कई आय धाराएं बनाएं। एक सिंगल इनकम के दम पर कभी भी कोई अमीर नहीं बना। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसा काम करें जिससे आय के कई स्रोत बने। यदि किसी के एक ही आय का स्रोत है और किसी कारण से वह बंद हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि वह कैसे सर्वाइव करेगा। यदि अनेक स्रोत हैं तो यदि एक में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए तो भी आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अतः एक से अधिक इनकम सोर्स बनाएं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। बिना मल्टीपल इनकम सोर्स के तो अमीर बनने का सपना तो सपना ही रहेगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अमीर लोग धन का खेल किस प्रकार खेलते हैं। विज्ञान का नियम है कि एक समान क्रिया के परिणाम उसी प्रकार होते हैं। इसीलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो अमीर लोग जिस तरह काम करते हैं उसी तरह आप भी करें तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। आपके एक लाइक से आप का तो कुछ नहीं जाता, किंतु मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही जितना अधिक आप शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ मिलेगा जिससे उनके जीवन में भी सुख शांति आएगी। इसीलिए अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।